एनसीपी चीफ शरद पवार को मिली धमकी। शरद पवार तुम्हारा दाभोलकर जैसा होगा हाल। बेटी सुप्रिया सुले ने दर्ज कराई शिकायत। एनसीपी में हलचल है। हलचल इस बात की है कि उनके प्रमुख शरद पवार को धमकी आखिर किसने दी है। एनसीपी चीफ शरद पवार को धमकी मिलने की जानकारी खुद उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने दी है। उन्होंने बताया कि उनके पिता शरद पवार को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र पुलिस से इसके शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंची सुले ने बताया कि धमकी में लिखा हुआ है कि शरद पवार तुम्हारा हाल दाभोलकर जैसा होगा। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से भी संज्ञान लेने की मांग की है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर उनके पिता को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। क्या मामला है? आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है, और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट से इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ, और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहां भी रुकना चाहिए। कौन है जो ये थ्रेट दे रहा है, कुछ इसके बारे में पता होगा? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ न्याय मांगने आई हूं। आपने सिक्योरिटी की मांग की है पवार साहब के लिए? वो अब वो पवार साहब की जो सिक्योरिटी है वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है और देश के नेता है, तो होम मिनिस्ट्री हैज टू इंटरवेक्ट। मैं कैसे कह सकती हूँ? क्या आपने सिक्योरिटी मिली है उनमें इजाफा करने की मांग की है? मैंने सिर्फ कहा है कि ये धमकी आई है, इसका उन्होंने मुझे वायदा किया है कि वो इमीडिएट एक्शन लेंगे, तो देखते क्या होता है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील राउत ने भी इसी तरह की एक शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि सांसद संजय राउत और मुझे कल से जान से मारने के फोन आ रहे हैं और सुबह मीडिया से बात नहीं करने के लिए कहा गया है। हालांकि सुनील राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त और राज्य के गृह मंत्री को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया है। वहीं शरद पवार के मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, महाराष्ट्र की राजनीति की एक उच्च परंपरा रही है। हमारी राजनीतिक स्तर पर मतभेद हैं, लेकिन विचारों में मतभेद नहीं है। किसी भी नेता को धमकी देना या सोशल मीडिया पर खुद को अभिव्यक्त करते हुए शिष्टता की सीमा को पार करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में पुलिस निश्चित रूप से कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। हालांकि सुले ने इस धमकी को ओछी राजनीति का एक उदाहरण भी बताया है। साथ ही वो अपने पिता के लिए चिंतित भी नजर आई। जाहिर है देश के एक बड़े दिग्गज नेता को इस तरह से धमकी मिलना हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए धमकी देने वाले को गिरफ्त में लेना चाहिए। साथ ही ये पूछा जाना चाहिए कि ये उसकी खुद की सोच का नतीजा है या फिर किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया है। साथ ही सुप्रिया सुले ने जिस तरह से इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संज्ञान लेने का आग्रह किया है, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह उनकी मांग पर क्या एक्शन लेते हैं। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस भी इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेती है ये भी देखना अहम होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।